दोस्तों स्वागत है आप सबका पापा कंस्ट्रक्शन में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे तेजू एयरपोर्ट के बारे में, जो कि अरुणाचल प्रदेश में रिसेंटली चालू हुआ है। ये एयरपोर्ट अपने देश के ईस्टर्न मोस्ट टिप यानी कि चाइना बॉर्डर के पास है, इसीलिए लोकल एरिया में कनेक्टिविटी और टूरिज्म के डेवलपमेंट के साथ साथ स्ट्रेटजिकली भी ये एयरपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के लोहित डिस्ट्रिक्ट में तेजू एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए 2009-10 के बजट में ही 79 करोड़ रुपए अप्रूव्ड हुआ था और 2014 तक लगभग 5000 फीट लंबा रनवे, साथ ही टर्मिनल बिल्डिंग और ATC टावर भी कंप्लीट हो गया था। लेकिन इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट लोकल लोगों के प्रोटेस्ट के कारण इसमें काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया था। फिर भी रनवे के साथ साथ टैक्सीवेज, पार्किंग लॉट, ड्रेनेज सिस्टम और बाउंड्री वॉल 2017 तक कंप्लीट हो गया था। इनफैक्ट 22 सितंबर 2017 को इसमें ट्रायल रन भी हो गया था, लेकिन तेजू एयरपोर्ट से रेगुलर फ्लाइट सर्विस स्टार्ट नहीं हो सका और उसके लगभग 2 साल बाद यानी कि 9 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया गया। साथ ही अरुणाचल प्रदेश में एक और एयरपोर्ट यानी कि होलंगी एयरपोर्ट बनाने के लिए इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शिलान्यास भी किया गया था। तो फाइनली लास्ट मंथ अगस्त में यानी कि 20 अगस्त 2021 से तेजू एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। इस एयरपोर्ट से वीक में 4 दिन यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे और संडे को गुवाहाटी के लिए फ्लाईबिग एयरलाइंस के द्वारा सर्विस अवेलेबल है। यहाँ पर रनवे की लेंथ मात्र 5000 फीट है, तो यहाँ से ATR-72 टाइप के एयरक्राफ्ट ही ऑपरेट हो सकते हैं। लेकिन सेकेंड फेज में इस एयरपोर्ट के रनवे का विस्तार भी प्रस्तावित है ताकि यहाँ से बड़े एरोप्लेन भी ऑपरेट हो सके। तो आने वाले टाइम में गुवाहाटी के अलावा कोलकाता और दिल्ली मुंबई जैसे सिटी के लिए भी यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट अवेलेबल होगा। इस एयरपोर्ट पर लगभग 4200 स्क्वायर मीटर एरिया में टर्मिनल बिल्डिंग बनाया गया है और पीक आवर में इस एयरपोर्ट की हैंडलिंग कैपेसिटी 200 पैसेंजर की होगी। दोस्तों नॉर्थ ईस्ट का एरिया वैसे भी काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन जिस एरिया में ये एयरपोर्ट है वो एरिया टूरिज्म के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी सारे टूरिस्ट भी आते हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि इस एयरपोर्ट के चालू होने के बाद इस एरिया में टूरिज्म बढ़ेगा और ईस्टर्न मोस्ट टिप यानी कि चाइना के बॉर्डर एरिया में भी फास्ट स्पीड से डेवलपमेंट होगा। साथ ही चाइना बॉर्डर से काफ़ी क्लोज होने के कारण स्ट्रेटजिकली भी ये एयरपोर्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कुछ दिन पहले ही रूपसी एयरपोर्ट भी चालू हुआ है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के असम में है। तो अगर आप रूपसी एयरपोर्ट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।